नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूँ। भाई आज बात करूंगा इस गाने की एक छोटी सी कहानी की, जिसको लिखा तो गया था एक दूसरी फिल्म के लिए, पर आया ये गाना फिल्म आनंद में। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि ये गीत फिल्म आनंद का है, जिसे लिखा था गीतकार योगेश ने और संगीत दिया था सलील चौधरी साहब ने। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये गीत पहले फिल्म अन्नदाता के लिए लिखा गया था। हाँ, फिल्म अन्नदाता के निर्माता LB लक्ष्मण थे। फिल्म आई थी सन 1972 में। फिल्म की मुख्य भूमिका में थे अनिल धवन और जया भादुड़ी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक दिन आनंद फिल्म के निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी किसी काम से LB लक्ष्मण से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। उनके साथ में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी थे। उस वक्त LB लक्ष्मण गीतकार योगेश और संगीतकार सलील चौधरी के साथ फिल्म अन्नदाता के गीतों पर सिटिंग कर रहे थे। इतने में ऋषिकेश मुखर्जी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के कानों में गीत पड़ा, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ये गीत इन तीनों को इतना पसंद आया कि ऋषिकेश मुखर्जी ने LB लक्ष्मण के आगे ये प्रस्ताव रख दिया कि ये गीत आप मुझे दे दो फिल्म आनंद के लिए, क्योंकि ये गीत मेरी फिल्म राजेश खन्ना पर बिल्कुल फिट बैठेगा। पर LB लक्ष्मण ने गीत देने से साफ मना कर दिया। वहां बैठे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना ने भी गीत को फिल्म आनंद के लिए देने का उनसे अनुरोध भी किया, पर वे टस से मस नहीं हुए। तब इत्तेफाक से सलील चौधरी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि आनंद में जो राजेश खन्ना का किरदार है ना, उस पर ये गीत बिल्कुल फिट बैठेगा। अभी अन्नदाता को तो रिलीज होने में बहुत समय है, तब तक योगेश और मैं एक और खूबसूरत गीत आपकी फिल्म के लिए बना डालेंगे। बहुत आग्रह करने के बाद लक्ष्मण बोले कि पहले आप मुझे फिल्म की सिचुएशन बताएं। अगर मुझे लगा कि ये गीत फिल्म आनंद में आपके हीरो पर फिट बैठेगा तो मैं सोचूंगा। जब ऋषिकेश मुखर्जी ने लक्ष्मण को पूरी सिचुएशन बताई तो LB लक्ष्मण खुद बोल पड़े, वाकई में ये गाना तो फिल्म आनंद के लिए ही बना हो जैसे। बहनों और भाइयों, ये एक संयोग ही तो था। देखिए, अगर इन सब की मुलाकात एक साथ ना हुई होती उस दिन, तो ये गीत आनंद में ना होकर फिल्म अन्नदाता में होता। बहनों और भाइयों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब कर दीजिएगा। तो अब अपने रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर की नमस्ते।